दोस्तों लोगों ने कमेंट करके हमसे पूछा है कि सर आप अपनी वीडियो में नीचे चलने वाली टैग्स आपने कैसे लगाया है, उसे आपने कैसे बनाया है, इस पर एक वीडियो बनाएं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं उन्हीं लोगों को रिप्लाई देने वाला हूं जो लोग हमसे पूछते हैं कि सर आप अपनी वीडियो में चलने वाले टैग्स कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप जो मेरी वीडियो में चलने वाले टेक्स्ट देखते हैं उसे दोस्तों मैंने पावर पॉइंट में बनाया है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूं, ये जो आप मेरी वीडियो में देखते हैं इसे दोस्तों मैंने पावर पॉइंट में बनाया है, ठीक है। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, इस टेम्पलेट को अपने स्टोर पे अपलोड कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो दोस्तों वहां से आप इस टेम्पलेट को डाउनलोड कर लेंगे। जब दोस्तों आप अपने लैपटॉप या पीसी में इस टेम्पलेट को डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा बहुत एडिटिंग कर लेना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मेरे चैनल का नाम है, तो दोस्तों आप यहाँ क्लिक करके अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इस तरह से टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद दोस्तों आपके चैनल का जो भी नाम है आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये मेरा लोगो है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इस लोगो को रिप्लेस करके अपना लोगो लगाना है। तो आप इस चीज़ को कैसे करेंगे, तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको लोगो दिख रहा है आपको इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, तो ये लोगो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा चेंज पिक्चर, और उसके बाद दोस्तों जब आप चेंज पिक्चर के ऊपर माउस को रखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा दिस डिवाइस, आपको दिस डिवाइस के ऊपर क्लिक कर लेना है। और देन दोस्तों आपने जो भी लोगो बनाया है, ठीक है, आपका जो भी लोगो है आप अपना लोगो सेलेक्ट करेंगे और देन दोस्तों आप इंसर्ट कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ आपका लोगो लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप इस लोगो के ऊपर डबल क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से, तो ये लोगो हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों मैं शिफ्ट को दबा करके रखूँगा और उसके बाद मैं कॉर्नर से पकड़ के इसकी साइज को इस तरह से बढ़ा दूंगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना लोगो इसमें रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसे कंट्रोल जेड कर देता हूँ। यहाँ जो दोस्तों टेक्स्ट लिखा हुआ है इसे भी दोस्तों आप बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, यहाँ बीच में क्लिक करना है, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करना है और बैक स्पेस से इसे हटा देना है। और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखना चाहते हैं वो चीज़ें दोस्तों आप यहाँ पर बड़े आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पर चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी स्लाइड में भी दोस्तों आप ऐसे ही कर लेंगे। जब दोस्तों ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, फाइल के ऊपर क्लिक करना है। फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एक्सपोर्ट, आपको एक्सपोर्ट के ऊपर डबल क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्रिएट ए वीडियो, आपको क्रिएट ए वीडियो के ऊपर डबल क्लिक कर देना है। और उसके बाद दोस्तों ये पूछेगा कि आप इसे कहाँ सेव करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लीजिएगा और देन दोस्तों आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जब तक प्रोसेसिंग चल रहा है तब तक दोस्तों थोड़ा सा आपको वेट करना है। जैसे ही दोस्तों ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होगा तो दोस्तों वैसे ही आपके डेस्कटॉप पे एक वीडियो मिल जाएगा। फिर दोस्तों आप इस वीडियो को आप चाहें तो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते हैं, चाहे तो दोस्तों आप इसे OBS में यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है ये भी दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा, तो दोस्तों वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। जब तक दोस्तों ये प्रोसेसिंग चल रहा है तब तक दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, इस फाइल को क्लोज कर दूंगा क्योंकि इसका काम हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है हमारा ग्रीन स्क्रीन वीडियो बन चुका है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, पावर पॉइंट को ग्रीन स्क्रीन वीडियो में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों जब ये वीडियो बन जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अगर दोस्तों आप OBS से अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है, अपना OBS स्टूडियो ओपन कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो है OBS ओपन हो चुका है। जब दोस्तों ये OBS ओपन हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सोर्स में आप प्लस आइकन पे क्लिक कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मीडिया सोर्स, आपको मीडिया सोर्स के ऊपर क्लिक कर देना है।
और उसके बाद दोस्तों इसका नाम रख देंगे आप प्लस, ठीक है, प्लस और उसके बाद ओके, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका जो फाइल है यानी कि अभी जो आपने ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनाई है उस फाइल को दोस्तों आपको यहाँ से सर्च कर लेनी है। तो यहाँ हम लोग क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों हमारा जो फाइल है वो है डेस्कटॉप के ऊपर, तो हम लोग डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ से दोस्तों इस ग्रीन स्क्रीन वीडियो को सेलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। अगर दोस्तों आप इसे कंटिन्यू चलाते रहना चाहते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे लूप के ऊपर चेक टिक लगा देनी है, बस आपको ओके कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे ये आने लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसके ऊपर यानी कि यहाँ पे जो आपने सोर्स ऐड किया है इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। देन दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा फिल्टर, आपको फिल्टर के ऊपर क्लिक कर लेना है और देन दोस्तों आपको यहाँ पे प्लस आइकन मिलेगा, प्लस आइकन के ऊपर क्लिक कर लेना है और देन दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्रोमा की, आपको क्रोमा की के ऊपर क्लिक कर देना है और देन दोस्तों आपको ओके कर देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो ग्रीन पार्ट था यानी कि ग्रीन एरिया जो भी था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। इस तरह से आप कर लेंगे और आप चाहें तो दोस्तों इसे जो है थोड़ा बहुत घटा बढ़ा करके देख सकते हैं और देन दोस्तों आपको इसे क्लोज कर देना है। और इतना करने से ही दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ें लग जाती है। अभी दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ें इसलिए नहीं शो हो रहा है क्योंकि हमने इसे शो नहीं कराया है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं चाहूँ तब ये जो है मेरे वीडियो में शो हो, तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको सेटिंग के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो आपने सोर्स ऐड किया है, ठीक है, यानी कि आपने जो फ्लश लोअर थर्ड ऐड किया है वो सीन वन में है, ठीक है, यानी कि ये जो है सीन वन में है और यहाँ पे ये फ्लश लोअर थर्ड के नाम से दोस्तों इसे मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से इसे लॉक कर देना है और उसके बाद दोस्तों सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो OBS का जो सेटिंग है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा हॉट कीज़, आपको हॉट कीज़ में चले जाना है। हॉट कीज़ में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सीन में चले जाना है, ठीक है। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे सीन आ जाएगा। सीन में आने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे ये जो सोर्स है वो है फ्लश नाम से, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सीन में आएंगे और उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, सो फ्लश का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है तो इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप इसमें जो भी शॉर्टकट की ऐड करना चाहते हैं वो दोस्तों आप यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे जो भी शॉर्टकट की असाइन करेंगे वो ऐसा शॉर्टकट की होना चाहिए जो कि किसी दूसरे चीज़ का शॉर्टकट की ना हो, ठीक है। जैसे कि अल्ट ऐप दबाता हूँ तो यहाँ पे फाइल मेन्यू ओपन हो जाता है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं लगाना है। अगर आप ऐसा गलती से लगा देते हैं तो ये चीज़ें काम नहीं करेगा। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे सिर्फ F दबा देना है, ठीक है, यहाँ पे F और यहाँ पे मैं कर देता हूँ H, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों मैं अप्लाई पे क्लिक करके ओके कर दूँगा। देखिए मैंने F और H लगाया है, आपको दोस्तों जो पसंद हो, जो याद रखना आपके लिए आसान हो वो चीज़ें आप वहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इसे हम लोग शो कराते हैं। तो जैसे ही दोस्तों मैं कीबोर्ड पे F प्रेस करूँगा तो ये चीज़ें दोस्तों यहाँ पे शो होने लग जाएगा, ठीक है, एक मिनट। अच्छा, एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से मान लीजिए कि हो जाता है, मान लीजिए कि आप शॉर्टकट की प्रेस कर रहे हैं बट ये शो नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर ये शो नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक बार इसे रिस्टार्ट कर देना है, ठीक है, इसे आपको रिसेट कर देना है। तो यहाँ से आप एक बार रिसेट कर देंगे उसके बाद दोस्तों ये यहाँ पे दिखने लग जाएगा। अब दोस्तों अगर मैं एच दबाता हूँ, ठीक है, अब मैं एच दबाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हाइड हो गया है और जैसे दोस्तों मैं एफ़ दबाऊँगा तो ये हमारी वीडियो में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको जो है हमेशा इस फ्लश लोअर थर्ड को सबसे ऊपर रखना है, ठीक है। आप यहाँ पर जो भी सोर्स ऐड करेंगे तो सभी सोर्स में से प्लस को आपको सबसे ऊपर रखना है, ठीक है। इस बात का दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये जो सोर्स है प्लस वाला इसे दोस्तों सबसे ऊपर रखना है, ठीक है। यहाँ पे आप जितने भी सोर्स ऐड करेंगे सभी सोर्स में से इस वाले सोर्स को सबसे ऊपर रखना है, बाकी आप इसके नीचे जो भी सोर्स ऐड करना चाहें वो चीज़ें दोस्तों आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने डिस्प्ले कैप्चर ऐड कर लिया है और यहाँ पे दोस्तों मैंने ये फ्लश वाला ऐड कर लिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए अब मैं एफ दबाता हूँ तो ये यहाँ पे नहीं चल रहा है, तो अब मैं क्या करूँगा, इस पर डबल क्लिक करूँगा और इसे दोस्तों यहाँ पे मैं लूप में सेट कर दूँगा, ठीक है।
और फिर मैं यहाँ से रिसेट कर दूंगा। तो इस तरह से ये हमारा चलता रहेगा। देखिए अब ये चलता रहेगा, जब शो कराना होगा तो F दबा देंगे, जब हाइड करना होगा तो H दबा देंगे। अभी मैंने H दबा दिया है, अब इसे मुझे चलाना होगा तो मैं F दबा दूंगा, तो ये हमारे वीडियो में दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब दिखाना होगा हम दिखा देंगे, जब हाइड करना होगा इसे हम लोग हाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए ये सारी सेटिंग हो गई है और यहाँ पे डिस्प्ले कैप्चर भी ऐड हो गया है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसे मिनिमाइज़ करेंगे और यहाँ पे दोस्तों मैं स्लाइड शो के ऊपर क्लिक करूँगा और उसके बाद फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैं अल्ट के साथ टैब दबा करके OBS में आऊँगा कुछ इस तरह से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूँगा और उसके बाद दोस्तों इसे मैं मिनिमाइज़ कर दूंगा। तो इस तरह से ये हमारा PPT आ जाएगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ से चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों अब हम लोग जो है पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे और यहाँ पे दोस्तों इस तरह से टाइमर वगैरह हमारा चलेगा। और अगर दोस्तों मुझे फ्लश लोअर थर्ड यहाँ पे चलाना है तो मैं F दबा दूंगा और जैसे दोस्तों मैं F की दबाऊंगा तो OBS में जो है वो चीज़ें शो हो जाएगी, यानी कि वो जो है रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको वो चीज़ें नहीं दिखेगा बट दोस्तों OBS जो है उस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों मुझे इस चीज़ को हाइड करना है OBS में, ठीक है, तो मैं H दबा दूंगा तो वो हमारा जो फ्लश लोअर थर्ड था वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, इस तरह से हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, इस चीज़ को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हमारा चलता रहेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि मुझे फिर से जो है उस फ्लश लोअर थर्ड को शो कराना है तो मैं F दबा दूंगा और जैसे दोस्तों मैं F दबाऊंगा तो हमारा वो जो फ्लश लोअर थर्ड है वो शो हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से फिर हम लोग जो है इस चीज़ को पढ़ाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे और वो जो फ्लश लोअर थर्ड है वो नीचे हमारा रिकॉर्ड होता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही है, मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, हमारा जो फाइनल आउटपुट होगा, हमारा जो वीडियो बनेगा उसमें दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगा कि वो किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, चलिए अब इसे यहाँ पे दोस्तों मैं हाइड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस चीज़ को हाइड कर दिया है। चलिए अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन वाली स्लाइड में आता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब फिर से अगर मुझे उस फ्लश लोअर थर्ड को, यानी कि नीचे चलने वाले टेक्स्ट को अगर मुझे शो कराना है तो मैं F दबा दूंगा। जैसे दोस्तों मैं F दबाऊंगा तो मेरा जो फ्लश लोअर थर्ड है वो स्क्रीन पे आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वीडियो में दिखने लग जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है इस फ्लश लोअर थर्ड को अपने OBS में यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो दोस्तों इस चीज़ को स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में भी यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूंगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फ्लश लोअर थर्ड यहाँ पे प्ले हो रहा है। अब दोस्तों हमारा जो फाइनल वीडियो बना है, यानी कि हमारा जो फाइनल आउटपुट है वो कैसा बना है, उसमें फ्लश लोअर थर्ड के बारे में जब मैंने बात की है, जहाँ जहाँ मैंने शो कराया है वो शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस चीज़ को दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, शो रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और देन दोस्तों यहाँ पे हमें वो फाइल मिल जाएगी। ठीक है, तो आज वाला कौन सा फाइल है, शायद ये वाला होगा। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इसे मैं प्ले करता हूँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूंगा। यहाँ पे ये वाला हमारा आ गया है। ठीक है, अब देखिए मैंने वीडियो में जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें बोली है वहीं वहीं पर ये चीज़ें यहाँ पे फ्लश लोअर थर्ड शो हो रहा होगा। ठीक है, चलिए मैं वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ करेंगे और यहाँ पे दोस्तों इस तरह से टाइमर वगैरह हमारा चलेगा। और अगर दोस्तों मुझे फ्लश लोअर थर्ड यहाँ पे चलाना है तो मैं F दबा दूंगा और जैसे दोस्तों मैं F ही दबाऊंगा तो OBS में जो है वो चीज़ें शो हो जाएगी, यानी कि वो जो है रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको वो चीज़ें नहीं दिखेगा बट दोस्तों OBS जो है उस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों मुझे इस चीज़ को हाइड करना है OBS में, ठीक है, तो मैं H दबा दूंगा तो वो हमारा जो फ्लश लोअर थर्ड था वो हाइड हो जाएगा। ठीक है।